क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दे रखा है, टू पावर वन अपॉन फोर, फोर पावर वन अपॉन सिक्सटीन, एट पावर वन अपॉन एटीन दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह का एक सिक्वेंस दे रखा है, एक सीरीज टाइप का सा कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए, सबका बेस सेम होना चाहिए। पहला काम तो हम ये करते हैं, सबका बेस सेम बनाते हैं। तो टू पावर वन अपॉन टू लिखा ना, उसके बाद में टू स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा टू अपॉन सिक्सटीन, यहाँ पर आ जाएगा डॉट। उसके बाद में ऐसे क्या लिखूंगा, टू क्यूब लिखेंगे तो टू क्यूब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन 48 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड डॉट डॉट इस तरह से आएंगे। अब नाउ एक बार ध्यान समझो कि बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो देखो 1/4 आ गया। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये कितना लिखा हुआ, 1/8 लिखा हुआ है प्लस साइन। अब डी स्टूडेंट इसको देखो, इससे जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना लिखा हुआ, 1/16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया। अब इस और डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक आप ऐड कर दोगे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा क्या है, एक्चुअली ये 1/4, 1/8, 1/16 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो तो क्या है, एक जीपी लिखा हुआ है एक्चुअली ये। और अगर ये जीपी है तो जीपी का सम हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ एक इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला कितना आता है, ए अपॉन वन माइनस आर आता है। तो ए का वैल्यू तो कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा अपॉन वन माइनस, और जब 1/r निकालेंगे कितना आ रहा है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 यहाँ पर आ गया, तो 1/4 और इंटू में 2/1, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट इस वाली जीपी का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 2 पावर कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो दैट इज किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के इक्वल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन।